वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में अल्गो ट्रेडिंग सेटअप नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, दैट इज फॉर बैंक निफ्टी, और उसकी एक्यूरेसी एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेक। सो स्ट्रेटजी इज सिंपल, नो इंडिकेटर, ओनली प्राइस एक्शन, टाइम फ्रेम 1 डे, दैट इज अ पोजिशनल ट्रेडिंग, ओके। और सेल करना है, ठीक है। सेल कब करना है आपको? जब भी आपका क्लोज, ओके, 5 मिनट का क्लोज और 1 मिनट का क्लोज, आप वो भी कंसीडर कर सकते हो। कभी भी क्लोज लोअर देन क्या होगा, अपना प्रीवियस डे लो, प्रीवियस 2 डे का लो से मिनिमम जो वैल्यू होगी उसका, उसको क्रॉस करेगा, आपको क्या करना है, सेल, ओके। सो प्रीवियस डे एंड लास्ट टू लास्ट डे, दोनों का लो फाइंड करेंगे, उसमें जो मिनिमम होगा उसको अगर क्रॉस करेंगे क्लोज, देन वी आर गोइंग टू सेल, ओके। हमने एंट्री कहाँ से ली है? 1 मिनट पे चेक करेंगे एवरी 1 मिनट, लेकिन ये पोजिशनली ट्रेडिंग सेटअप है, ओके। एग्जिट कब करना है आपको? सिंपली क्लोज कब करेगा आपको? प्रीवियस 2 डे का हाई के ऊपर क्लोज करेगा, या फिर 1 परसेंटाइल एंड 3 परसेंटाइल, ओके। सो इट इज अ सिंपल सेटअप, सिंपल, ओके, फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड दिस इज अ सेट। सो चार्ट पे हम एक बार देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, कब कौन सी एंट्री है, कौन सी एग्जिट है। सो लेट्स सी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंसिडर दिस टू कैंडल, ओके, दिस टू कैंडल, ये दो कैंडल को कंसिडर करो, ओके। ये दोनों का लो एप्रोक्स ये है मिनिमम, तो इसके नीचे यहाँ पे ये पॉइंट पे हम सेल करेंगे। जैसे इसको 1 मिनट पे उसके ऊपर, उसके नीचे क्लोज दिया, हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ओके। सो दिस इज अवर एंट्री पॉइंट। अगर यहाँ पे 1 मिनट पे क्लोज हुआ होगा तो, वरना नेक्स्ट डे यहाँ पे आएगा कहीं पे। सो ये दैट इज अवर आइडियल एंट्री, ओके। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? दो कैंडल का जो भी होगा हाई, तो यहाँ पे रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ओके। तो ये आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, ये आपकी क्या रहेगी, एंट्री, ओके। राइट करना है 1-3% जहां जहां भी आपको ट्रेड कंटिन्यू रहेगा वहां तक, ओके। सो सिंपल सेटअप है। अगर हम और देखें, ओके, तो आप देख सकते हो, ऐसा कुछ जरूर नहीं ग्रीन कैंडल, कोई भी दो कैंडल, फॉर एग्जांपल अगर आपने एंट्री यहाँ पे नहीं ली, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री यहाँ पे नहीं ली ये कैंडल पे, ओके, तो आपको ये दो कैंडल का लो कंसीडर करना है, ये दो कैंडल का लो, वो यहीं पे ओपन पे ही आपको एंट्री लेना है, ठीक है। अगर आपने ये कैंडल पे भी एंट्री नहीं ली तो लास्ट टू कैंडल कंसीडर करो, तो इसके नीचे आपको ये लो है यहाँ पे, दैट इज अराउंड 22,874, ओके। इसके नीचे आपको क्या करनी है, एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, अराउंड दिस पॉइंट 2314134, ओके। आप मैक्सिमम करोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस होएगा, लेकिन मैंने क्या कंसिडर किया है, मिनिमम, आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट में हम ये टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी एक्यूरेसी एंड प्रॉफिट देखते हैं कितना होता है। सो ये स्ट्रिक्ट में मैंने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। सेल 1 मिनट यहाँ पे करना है, 1 लॉट, बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी बैंक दोनों पे हम चेक करेंगे, क्लोज इज लोअर देन प्रीवियस डे लो, ओके, -1 एंड -2। रिमूव कब होना है, जब हायर देन प्रीवियस डे हाई को भी मिनिमम हो वो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, 1%, टारगेट क्या रहेगा आपका, 3%, ओके। नाउ आपको कब क्या करना है, यहाँ पे CNC रिमेनिंग एज इट इज, बैंक निफ्टी 7 जस्ट नेम, तो आप देख सकते हो अराउंड 9 ट्रेड, 4 विन 5 लॉस, 50% अराउंड प्रॉफिट क्या हुआ आपका, टोटल 24,000। यहाँ पे 1 GM 3 है, ओके। सो आपका क्या हुआ, एक करेक्ट ट्रेड आपके 3 लॉसेस कवर कर देगा, ओके, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। दैट्स व्हाई आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस क्या होगा, -5,000 अराउंड, 6,000 और मैक्सिमम लॉस, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा आपका, 17,000-18,000, ओके। और आप यहाँ पे पूरी हिस्ट्री भी देख सकते हो, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 सितंबर को एंट्री है अराउंड 321, 8 सितंबर को 321, ओके। तो यहाँ पे एक एंट्री है, देखो हमने जो डिस्कस किया था वो, ये पॉइंट पे 22,000 वैल्यू क्या है, 8 सितंबर को 8 सितंबर को 22,719, ओके। सो 22,719 यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। सो नेक्स्ट डे अगर आप देख सकते हो अच्छी रैली आपको मिले, ऐसे आप बहुत सारे ट्रेड है। देखो आप कौन सा है, सेवन को भी अपना है, सेवन को एंट्री है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, सेवन को बहुत सारी एंट्री है, ठीक है। सेवन का पहला टारगेट अचीव हो गया, फिर वापस एंट्री है, स्टॉप लॉस ट्रिगर, वापस एंट्री, वापस स्टॉप लॉस ट्रिगर, ओके। तो आपको ये मैंने यहाँ पे वन क्या रखा है, 1% तक रखा है और 3% तक रखा है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर हमने यहाँ पे देखो पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक है, 26 अगस्त से 24/7, ओके। तो चलो मॉडिफाई करते हैं 26/8 से बिफोर, तो 25 अगस्त, ओके। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिला है, ओके, अप्रोक्स सेम रिटर्न। देन सॉरी वापस रन करना पड़ेगा, एडिट पैरामीटर, 26 अगस्त से पहले, सितंबर से पहले, जुलाई में चलो 30 जुलाई से करते हैं जैसे रनिंग, ओके। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है, सिग्नल कम हो रहे हैं, आपका एंट्री एग्जिट एक्यूरेट होगा। वापस उससे पहले 1 जुलाई से पहले देखते हैं, ओके, 30 जून से, ओके। तो अब फ्यूचर में आपका कोई ट्रेड नहीं होगा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। बैंक निफ्टी में देख सकते हो 0.3% है, तो इसमें ज़्यादा लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। जब भी आपका ये पॉजिटिव है और हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर जुलाई जून के बाद मई, तो यहाँ पे भी आपको 0.8, लेकिन रिटर्न क्या है -13, तो वो आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आना चाहिए बैंक निफ्टी में, लेकिन फ्यूचर नहीं है, सो वी कांट टेक, ओके। और प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी है तो × 75 करना होगा आपको, दैट इज़ वो प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे एक क्वांटिटी ले रहा है ऐसे, ठीक है। तो आपको अगर फ्यूचर है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बैंक निफ्टी पे देख रहे हो तो वो आपको क्या गलत प्रॉफिट देगा, × 75 आपको करना होगा, सो दैट इज़ योर प्रॉफिट, ओके। सो दिस इज़ द सिंपल सेटअप, जस्ट बैक टेस्ट ऑन अ ट्रे ऑन अ चार्ट एंड यू कैन आइडेंटिफाई, ओके। अगर आपको पता नहीं, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज स्ट्रिक, तो आप मेरा स्ट्रिक की पूरी सीरीज देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे अल्गो इम्प्लीमेंट किए हैं बेस्ड ऑन इंडिकेटर, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ऑल्सो मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई है ऑन इंडिकेटर और उसका परफॉर्मेंस चेक किया है इंडिविजुअल, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए, जस्ट चेकआउट, ओके। सो आपको वो अल्गो वो इंडिकेटर के बारे में भी पता चलेगा आपको, और आपको उसकी एक्यूरेसी क्या है अगर आपने उसी पे इस इंडिकेटर पे आपने अगर एंट्री और एग्जिट किया तो, ओके। नाउ आप स्ट्रिक में आपको लाइव करना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। डिप्लॉय करूँगा तो आपको क्या पूछेगा, यहाँ पे CNC है, ओके। सो पेपर ट्रेडिंग और लाइव, पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, सिर्फ वर्चुअली यहाँ पे स्ट्रिक लॉग मेंटेन करेगा, बाय टाइम, बाय प्राइस, सेल टाइम, सेल प्राइस। अगर मैंने टेक लाइव किया तो वो लाइव ऑर्डर में चेक करेगा और कंडीशन मैच हुई जो हमने डिस्कस की तो वो मेरे जीरोडा अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करेगा क्योंकि मैंने जीरोडा से लॉगिन किया है, ओके। सो इट इज़ अ सिंपल सेटअप, अगर आपको टेक लाइव करना है तो आप लाइव कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बाय सेल पे क्लिक करना पड़ेगा एट द एंड, ओके। वो भी आप देख सकते हो और उसको भी मैंने ऑटोमेट किया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक.com एक्सटेंशन, ओके। स्ट्रिक.com एक्सटेंशन से हमने क्या किया है, ऑटोमेट किया है, तो वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, जस्ट वॉच आउट दैट वीडियो, ओके। सो दिस इज द सिंपल सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। जस्ट अ डिस्क्लेमर, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो @chartraders, ईमेल chart.traders@gmail.com। अगर आपको जीरोधा अपस्टॉक या फिर LSB में अकाउंट ओपन करवाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू।